अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, जैसे कि आपको मालूम है आज हम सेवन क्लास के चैप्टर नंबर जो है फोर, उसका जो अनवान है कुरा हवा के दर्जा रात, उसके बारे में पढ़ेंगे। आप सब जानते हैं कि सूरज जो है वह हरारत का एक बहुत बड़ा जरिया है। अब सूरज से हमें रोशनी भी हासिल होती है और हरारत भी हासिल होती है, और अगर देखा जाए तो सूरज की जो शुआएं होती हैं जो ज़मीन पर जो पहुंचती हैं, जो हरारत हमें मिलती है, हमारी ज़िंदगी का जितना भी दारोमदार होता है या उसका जो इनसार होता है वो इन्हीं शुआओं पर या इन्हीं हरारत पर होता है जो सूरज से हमें यहाँ तक ज़मीन पर हमें मिलती हैं। अगर हम देखें तो ये शुआएं जो होती हैं सतह ज़मीन से टकराती हैं, तो कुछ जब ये शुआएं जो होती हैं सूरज से जो पहुँचती हैं हमारे पास, तो जाहिर है जितनी भी शुआएं होंगी वो सारी की सारी ज़मीन पर नहीं आएंगी। कुछ शुआएं जो होंगी वो टकराने के बाद जो होती हैं मुनक्किस हो जाती हैं, यानी कि अपनी जो डायरेक्शन जो है वो चेंज कर लेती हैं, और कुछ शुआएं जो होती हैं वो ज़मीन जो है उन्हें जज़ब कर लेती है, यानी कि अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती होती है उसे। अगर हम देखें कि इस दर्जा हरारत को हम कैसे माप सकते हैं या से इसकी पैमाइश कैसे कर सकते हैं, तो हम सब तमाम जानते हैं कि जैसे एक इंसान जो होता है वो बीमार होता है तो उसका टेम्परेचर मापने के लिए हम एक थर्मामीटर इस्तेमाल करते हैं, जिससे उसका पता चलता है कि इसे आया कि टेम्परेचर है या नहीं है। इसी तरह हम दर्जा हरारत का भी टेम्परेचर मालूम करने के लिए एक थर्मामीटर इस्तेमाल करते हैं। उस थर्मामीटर में एक पारा या अल्कोहल की एक नली में एक पारा या अल्कोहल होता है जिसके ज़रिए से उसका दर्जा हरारत मापा जाता है। अब दर्जा हरारत या पैमाइश नापने के लिए हम दो तरह के तरीके इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहला होता है सेल्सियस स्केल। अब सेल्सियस स्केल में जब टेम्परेचर जो होता है वो सेल्सियस में आता है, यानी कि सी जो होता है इसका वो निशान होता है जिससे हमें पता चलता है। दूसरा तरीका होता है इसका फारेनहाइट, जिसे हम एफ से जाहिर करते हैं, यानी कि ये दो तरीके होते हैं जो पैमाइश के लिए हम इस्तेमाल करते हैं दर्जा हरारत के लिए। अगर हम देखें कि थर्मामीटर में जो तीन अहम दर्जे होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, हम तमाम जानते हैं कि नुक्ता जोश क्या होता है। नुक्ता जोश से मुराद, यानी कि जैसे हम पानी जो है केतली में रखते हैं, चूल्हे के ऊपर रखते हैं, तो वो जब उसका टेम्परेचर 100 सेल्सियस होता है, जब उसका टेम्परेचर होता है 100 सेल्सियस होता है, तो वो पानी जो होता है वो उबलना शुरू हो जाता है, तो यानी कि वो हो गया उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है, उसे हम कहते हैं नुक्ता जोश कहते हैं। अगर हम दूसरा देखें उसका नुक्ता इंजमाद क्या होता है, जैसे कि हमने पानी जो है वो एक बर्तन में डाल के फ्रीज़र में रख दिया, ठीक है, फ्रीज़र में हमने जैसे रखा, जब उसका दर्जा हरारत जीरो हुआ, जीरो पे क्या हुआ, पानी वो जो था फ्रीज होना शुरू हो गया, वो हो गया उसका नुक्ता इंजमाद आ गया। अब देखें हम तीसरा जो है इसका नुक्ता मतलिक जीरो, जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में एब्सोल्यूट जीरो, वो कैसे होता है, यानी कि किस जब किसी भी मादे का कम से कम मुमकिन दर्जा हरारत होता है, यानी कि उसका जो कम से कम होगा दर्जा हरारत होगा वो होगा नुक्ता मुतलिक जीरो होगा, यानी कि इससे दर्जा हरारत जो है कम से कम दर्जा हरारत मुमकिन नहीं होता, यानी कि जितना जो कम से कम होगा उससे ज़्यादा मजीद उसे हम नहीं कम कर सकते, ये तो होगा उसका नुक्ता मुतलिक सिफर। अब अगर हम देखें जमीन और कुरम वाई का गर्म होना, यानी कि जमीन और कुरम वाई कैसे गर्म होते हैं इनके बारे में अगर हम देखें तो क्या होगा, सतह ज़मीन की साल यानी कि हर जगह एक जैसी नहीं होती है, यानी कि कहीं पे खुश्की है तो कहीं पे पानी है। अब ये भी देखते हैं जो खुश्की का जो हिस्सा होता है, कहीं पे खुश्की होती है कहीं पे पानी होती है, जो खुश्की का हिस्सा होता है वो पानी की नस्बत जल्द जो है वो ठंडा और गर्म होता है, बनस्बत इसके पानी के वह देर से ठंडा होता है और देर से गर्म होता है। अब देखते हैं इसका अमल कैसे होता है। इसका अगर अमल देखें तो सूरज से निकलने वाली जितनी भी शुआएं होती हैं और जैसे ही हमारे ज़मीन पर डायरेक्टली पहुंचती हैं, तो यानी कि हम जानते हैं कि हवा जो है जब गर्म होती है, हवा जब गर्म होती है तो गर्म होकर वो ऊपर उठती है, जब ऊपर उठेगी तो वो फैलेगी, फैलने से बराबर क्या हो जाएगा, वो जब ऊपर फैलेगी यानी कि ऊपर जब जाएगी तो क्या हो जाएगी, फिर वो ठंडी हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी तो बादलों की सूरत में पानी की सूरत में वो बरसना शुरू हो जाएगी। अगर हम देखें इसकी अमूदी तकसीम क्या होती है, अमूदी तकसीम से मुराद यानी कि जो सूरज की शुआएं वो सीधी, अमूद का मतलब होता है सीधी पड़ना, वो कैसे होती हैं उसके बारे में हम देखते हैं। उसके लिए हम तरीका इस्तेमाल करते हैं तकालीब हरारत, यानी कि इसमें ये बात जाहिर होती है कि जैसे जैसे हम बुलंदी की जानब जाएंगे, जैसे जैसे हम बुलंदी की जानब जाएंगे तो दर्जा हरारत क्या होगा, वो बुलंदी की जानब जाएंगे तो दर्जा हरारत कम होना शुरू हो जाएगा। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि जैसे जैसे हम बुलंदी की जानब जाते हैं तो दर्जा हरारत जैसे नीचे यानी कि बड़ा हुआ वैसे ही ऊपर बढ़ना शुरू हो जाएगा। यानी कि अगर इसको हम देखें डायग्राम की सूरत में देखें,
तो इसके दो तरीके होते हैं, यानी कि एक आम हालात होते हैं। आम हालात में अगर देखें हवा हमारे पास गर्म है, ठीक है, तो वो जब ऊपर जाएगी गर्म हवा, हम जाहिर जानते हैं कि वो हल्की होकर जब ऊपर उठती है तो ठंडी हो जाती है, यानी कि ऊपर पहुंचने के बाद क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। अगर हम इसका मुआवजा करें तकालीफ हरारत के जरिए से, तो तकालीफ हरारत में होता क्या है, यानी कि जैसी हवा हमारे पास ठंडी है, यानी कि नीचे ठंडी पड़ी हुई है, ठीक है, तो उसका जो प्रोसेस होगा, यानी कि तकलीफ हरारत वाली जो तय आएगी, तो जब वो ऊपर पहुंचेगी वही हवा जो नीचे ठंडी थी वही ऊपर पहुंच कर मजीद ठंडी हो जाएगी, यानी कि जैसे उसका दर्जा हरारत नीचे था वैसे उसका दर्जा हरारत ऊपर भी पड़ गया। अगर हम देखते हैं कि दर्जा हरारत की उफ की तकसीम पर जो मुतासर होने वाले अवामिल में कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि पानी और खुश्की आ जाता है, उसके बाद सूरज की शुआएँ आ जाती हैं, उसके बाद हमारे पास बादल आ जाते हैं, इस तरह की ये चीज़ें जो होती हैं जो उस पर इफेक्ट करती हैं, उसे मुतासर करते हैं। आप लोगों ने जो इस चैप्टर के जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यू उन्हें अच्छी तरह से देख लेना है, उम्मीद की जाती है आपको इसकी समझ आ गई होगी।